हेलो फ्रेंड्स, एम्स 2020 जनवरी सेशन जिसकी काउंसलिंग 2 दिसंबर 2019 से स्टार्ट होने वाली है। ऐसे में आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी क्वालिफाइड डॉक्टर्स जिन्होंने भी एम्स जनवरी 2020 के एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया, उनके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिर लास्ट ईयर, कहने का मतलब है कि 2019 की जनवरी सेशन की राउंड वन काउंसलिंग में कट ऑफ क्या रही थी। और ये कट ऑफ आप डेफिनेटली जो चाहते होंगे वो इस प्रकार चाहते होंगे कि अलग अलग ब्रांचेस की कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग ब्रांचेस की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ राउंड वन काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए क्या रही थी वो डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि 2020 जनवरी सेशन की काउंसलिंग जो 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो राउंड वन काउंसलिंग में कौन कौन से ब्रांच की कट ऑफ कितनी कितनी जा सकती है। और ये कट ऑफ हर एक इंस्टीट्यूट के लिए मैं आपको बताऊंगा, ये कट ऑफ एम्स की टोटल जो 7 इंस्टीट्यूट हैं, 7 इंस्टीट्यूट में क्या क्या कट ऑफ रही थी वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आगे कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज गुलशन झा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर मीडिया। फ्रेंड्स, एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक करियर मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि एम्स और नीट पीजी 2020 से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो सभी आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके और आपके जितने भी डाउट्स हों वो आप हमसे क्लियर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ जो टॉप ब्रांचेस हैं उन टॉप ब्रांचेस की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे एनेस्थीसिया ब्रांच के लिए। एनेस्थीसिया ब्रांच की एम्स न्यू दिल्ली में कट ऑफ गई थी राउंड वन काउंसलिंग में 69 रैंक जो है वो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ थी एम्स न्यू दिल्ली के लिए एनेस्थीसिया ब्रांच की। एम्स जोधपुर की कट ऑफ रही थी 287 क्लोजिंग रैंक कट ऑफ थी एनेस्थीसिया की एम्स जोधपुर में। एम्स भुवनेश्वर की रही थी 296, एम्स ऋषिकेश की रही थी 298, एम्स भोपाल की रही थी 365, एम्स रायपुर की रही थी 476, एम्स पटना की रही थी 445। एनेस्थीसिया की ये हमने बात की। अब आगे आते हैं डर्मेटोलॉजी पे। डर्मेटोलॉजी में की अगर बात करें तो एम्स न्यू दिल्ली में जितनी भी सीटें थी वो सारी सीटें प्रिफरेंशियल कोटा, जो इंटरनल कोटा होता है, उससे भरी गई थी, उन्हीं के थ्रू भर दी गई थी। तो उन सीटों के लिए जो कट ऑफ है वो नहीं बताया गया। एम्स जोधपुर के लिए डर्मेटोलॉजी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी क्लोजिंग रैंक कट ऑफ 84 वॉज द क्लोजिंग रैंक कट ऑफ फॉर एम्स जोधपुर, राइट। देन एम्स भुवनेश्वर की बात करें तो एम्स भुवनेश्वर की डर्मेटोलॉजी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई थी 113। एम्स ऋषिकेश की डर्मेटोलॉजी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई थी 52। एम्स भोपाल की डर्मेटोलॉजी के लिए क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई थी 114। एम्स रायपुर की गई थी 79 और एम्स पटना में डर्मेटोलॉजी ब्रांच अवेलेबल नहीं थी, इसलिए ये ब्रांच के लिए कट ऑफ नहीं दी गई थी। अब आते हैं ईएनटी पे। ईएनटी ब्रांच एम्स न्यू दिल्ली में अवेलेबल नहीं है। एम्स जोधपुर की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई थी 280 रैंक। एम्स भुवनेश्वर की कट ऑफ रही थी 229। एम्स ऋषिकेश में नॉट अवेलेबल, एम्स भोपाल में नॉट अवेलेबल, एम्स रायपुर में नॉट अवेलेबल, एम्स पटना में 363 गई थी। जनरल मेडिसिन की बात करें तो एम्स न्यू दिल्ली की जनरल मेडिसिन की कट ऑफ गई थी रैंक थ्री पर जनरल मेडिसिन राउंड वन काउंसलिंग में एम्स दिल्ली में खत्म हो चुकी थी। एम्स जोधपुर में क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी 41। एम्स भुवनेश्वर की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी 27। एम्स ऋषिकेश की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी 49। एम्स भोपाल की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी जनरल मेडिसिन की 60। एम्स रायपुर की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ नहीं दी गई है क्योंकि उसमें जितने भी सीट्स हैं उन सभी सीटों को प्रीफरेंशियल कोटा, जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनल कोटा, उन इंटरनल कोटा से ही उसकी सारी सीटें भर दी गई थी, इसलिए इसकी कट ऑफ नहीं दी गई है। एम्स पटना की जनरल मेडिसिन के लिए क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी 62। अब आते हैं जनरल सर्जरी पे। जनरल सर्जरी की एम्स न्यू दिल्ली में टोटल 4 सीटें हैं, चारों सीटों को इंटरनल कोटा से भर लिया गया था। यू आर एम्स प्रेफरेंशियल कोटा जिसे कहते हैं, उन कोटा से ही जनरल सर्जरी की एम्स न्यू दिल्ली में चारों सीटों को भर दिया गया था। एम्स जोधपुर में जनरल सर्जरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी 68।
एम्स भुवनेश्वर में जनरल सर्जरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी 51, एम्स ऋषिकेश में जनरल सर्जरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी 186, एम्स भोपाल में जनरल सर्जरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी 81, एम्स रायपुर में जनरल सर्जरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी 196 और एम्स पटना की कट ऑफ रही थी 95। ऑप्स गायना की बात करें तो ऑप्स गायना में न्यू दिल्ली की कट ऑफ रही थी 43 रैंक क्लोजिंग रैंक कट ऑफ, एम्स जोधपुर की कट ऑफ रही थी 50 क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी, एम्स भुवनेश्वर की कट ऑफ रही थी 167, एम्स ऋषिकेश की कट ऑफ रही थी 173, एम्स भोपाल की कट ऑफ रही थी 188, एम्स रायपुर की कट ऑफ रही थी 191 और एम्स पटना की कट ऑफ रही थी 263। ऑप्टोमोलॉजी की बात करें तो एम्स न्यू दिल्ली की कट ऑफ रही थी 18, एम्स जोधपुर नॉट अवेलेबल, एम्स भुवनेश्वर की कट ऑफ रही थी ऑप्टोमोलॉजी की 278, एम्स ऋषिकेश की 6 सीटें हैं अभी फिलहाल 2020 के लिए है, पहले 12 सीटें थी उसमें 6 सीटों को कम कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया है और अब वहां पे 6 सीटें बची है, उनकी जनवरी 2019 में मतलब लास्ट ईयर जो है उस इस ब्रांच की भी ऑप्टोमोलॉजी की सारी सीटों को प्रेफरेंशियल कोटा से यूआर एम्स प्रेफरेंशियल कोटा से इंटरनल कोटा से भर दी गई थी। एम्स भोपाल की जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी ऑप्टोमोलॉजी की वो रही थी 246, एम्स रायपुर की कट ऑफ रही थी 282 और एम्स पटना प्रेफरेंशियल कोटा इंटरनल कोटा से भर दिया गया था। ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली में टोटल 4 सीटें हैं, चारों सीटों को इंटरनल कोटा के जरिए भर दिया गया था। एम्स जोधपुर की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी ऑर्थोपेडिक्स की 101, एम्स भुवनेश्वर की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स की रही थी 102, एम्स ऋषिकेश की ऑर्थोपेडिक्स की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ सबसे कम गई थी 24, एम्स भोपाल की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी ऑर्थोपेडिक्स के लिए 134, एम्स रायपुर की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी राउंड वन काउंसलिंग की 202। एक बात का ध्यान रखें कि जितने भी मैं अभी कट ऑफ आपको बता रहा हूँ ये राउंड वन काउंसलिंग की बता रहा हूँ, राउंड टू काउंसलिंग और राउंड थ्री काउंसलिंग की कट ऑफ अलग है, उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एम्स रायपुर की कट ऑफ रही थी ऑर्थोपेडिक्स की 202 और एम्स पटना की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी ऑर्थोपेडिक्स के लिए 178। इसी तरीके से आगे बढ़ते पेडियाट्रिक्स की देखते हैं तो पेडियाट्रिक्स की एम्स न्यू दिल्ली की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी 6, रैंक 6 पे जाकर के ये सीटें क्लोज हो गई थी। एम्स जोधपुर की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी 140, एम्स भुवनेश्वर की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी 89, एम्स ऋषिकेश की कट ऑफ रही थी 163, एम्स भोपाल की कट ऑफ रही थी 147, एम्स रायपुर की कट ऑफ रही थी 153 और एम्स पटना की कट ऑफ रही थी 211। तो आप कह सकते हैं कि पेडियाट्रिक्स की एम्स न्यू दिल्ली की कट ऑफ सबसे कम रही थी, वैसे भी आपको पता है कि एम्स न्यू दिल्ली की ही कट ऑफ किसी भी ब्रांच की सबसे कम रहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पेडियाट्रिक्स के लिए रैंक 6 थी जब पेडियाट्रिक्स ब्रांच एम्स न्यू दिल्ली में क्लोज हो चुकी थी। और रेडियो डायग्नोसिस की अगर बात करें तो रैंक 9 क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी एम्स न्यू दिल्ली की, एम्स जोधपुर की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ 71 रही थी, एम्स भुवनेश्वर की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ 63 रही थी, एम्स ऋषिकेश की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ 88 रही थी, एम्स भोपाल की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस की 96 रही थी, एम्स रायपुर में रेडियो गया था 97 क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी और एम्स पटना में 119 रहा था। तो ये कुछ ब्रांचेस थे, 10 ब्रांचेस थे जिसकी मैंने कट ऑफ आपको बताया और ये जो कट ऑफ है ये 2019 जनवरी सेशन की राउंड वन काउंसलिंग की कट ऑफ थी और वो भी जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए। अब आप में से जो भी व्यूअर्स एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके इसकी पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको हर एक ब्रांच की, अभी तो फिलहाल मैंने सिर्फ 10 ब्रांच की आपको कट ऑफ बताया, आपको उस पीडीएफ में सारे ब्रांचेस, जितने भी ब्रांचेस हैं एमडीएमएस के, उन सारे ब्रांचेस की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ राउंड वन की, राउंड टू की, राउंड थ्री की, कैटेगरी वाइज यूआर कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ये सारी चीजें मिल जाएगी। और अगर
आपको 2020 की सीट मैट्रिक्स देखनी है तो उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि 2020 में कितनी सीटें टोटल हुई हैं, जैसे कि 2019 जनवरी सेशन से लेकर के 2020 जनवरी सेशन तक में टोटल 440 सीट्स से लेकर के 530 सीट्स तक बढ़ चुकी है, मतलब 530 सीट्स से प्लस ऐड हुई है। उसमें से 58 सीट्स ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट की गई है, या आप कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की सीटें 58 सीटें हैं। तो इस तरीके से कितनी कितनी कौन कौन से ब्रांचेस की सीटें हैं 2020 के लिए, टोटल सीटें कितनी हैं, ब्रांच वाइज कट ऑफ कितनी, ये सारी डिटेल्स आपको जो है सो उस सीट मैट्रिक्स की जो लिंक है वो उसमें मिल जाएगी। तो आप चाहें तो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, कट ऑफ या सीट मैट्रिक्स दोनों के लिए अलग अलग लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे क्लिक करके डाउनलोड करके अपनी सारी जो क्वेरीज हैं, सारी जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। साथ में आपके मन में कुछ भी चीज़ अगर आपको देखना है तो वो आप वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को पोस्ट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर कर उस आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन दबा दें और कमेंट बॉक्स को और आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि सारी की सारी नीट और एम्स 2020 पीजी से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो सारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक यू सो मच।